ये जो दरगाह संपर्क सड़क है, ये संपर्क सड़क जो है बहुत अपनी स्थिति जो है ये बहुत ख़राब स्थिति में है। ये संपर्क सड़क है कम से कम आधा किलोमीटर का एरिया जो है वो बहुत ही ख़राब है और जगह जगह पहाड़ी से गिरा हुआ मलबा पड़ा हुआ है। हमने कई बार शिकायत कर दी, आज भी हम जो है यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए और ये बताया कि जो संपर्क सड़क है वो बड़ी स्थिति ख़राब है और इस पर जो है पोल लगे हुए हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है। दूसरा पहाड़ी का मलबा जगह जगह गिरा हुआ है, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, खड्डे हैं, नाली नहीं होने की वजह से कीचड़ जमा हुआ है। आज हमारे गुरु जी हैं जो प्रताप सिंह यादव, उन्होंने भी लिख के दिया है और इससे पहले हमने ताराचंद नगर विकास समिति, ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी की तरफ से अलग अलग कई ज्ञापन भेजे हैं। अब आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ जो हो सकेगा वो कराएंगे, अब देखते क्या होता है। ये जो दरगाह संपर्क सड़क है, ये संपर्क सड़क जो है बहुत अपनी स्थिति जो है ये बहुत ख़राब स्थिति में है। ये संपर्क सड़क है कम से कम आधा किलोमीटर का एरिया जो है वो बहुत ही ख़राब है और जगह जगह पहाड़ी से गिरा हुआ मलबा पड़ा हुआ है। हमने कई बार शिकायत कर दी, आज भी हम जो है यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए और ये बताया कि जो संपर्क सड़क है वो बड़ी स्थिति ख़राब है और इस पर जो है पोल लगे हुए हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है। दूसरा पहाड़ी का मलबा जगह जगह गिरा हुआ है, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, खड्डे हैं, नाली नहीं होने की वजह से कीचड़ जमा हुआ है। आज हमारे गुरु जी हैं जो प्रताप सिंह यादव, उन्होंने भी लिख के दिया है और इससे पहले हमने ताराचंद नगर विकास समिति, ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी की तरफ से अलग अलग कई ज्ञापन भेजे हैं। अब आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ जो हो सकेगा वो कराएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं सुनवाई होती तो फिर आंदोलन का रास्ता है, कई रास्ते हैं वो करेंगे, अगर नहीं होती है तो।